एक एस्ट्रोनॉट जो बहुत सारे साइंटिस्ट को किसी दूसरे ग्रह पर ले जा रहा था, तभी अचानक बीच सफर में उसके स्पेसशिप पर मीटियोरॉइड्स टकरा जाते हैं, जिससे उसकी स्पेसशिप एक दूसरे ग्रह पर जाकर क्रैश हो जाती है। उस क्रैश में सारे साइंटिस्ट मारे जाते हैं, लेकिन वो एस्ट्रोनॉट बच जाता है। लेकिन उस एस्ट्रोनॉट को ये नहीं पता था कि वो एक ऐसे खतरनाक ग्रह पर है जहां डायनासोर्स रहते हैं, जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या ये एस्ट्रोनॉट इन भूखे डायनासोर्स का निवाला बनेगा, या फिर यहां से बचकर अपने ग्रह पर वापस जा पाएगा? चलिए देखते हैं आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष को दिखाते हुए, जहां हमें बताया जाता है जब मानव जाति पृथ्वी पर पैदा भी नहीं हुई थी, उस वक्त ब्रह्मांड में मौजूद एक सोमेरिस नाम का प्लेनेट था, जहां आज की पृथ्वी जैसा जीवन है। यहां भी इंसान रहते हैं और इनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से वो अंतरिक्ष में किसी भी प्लेनेट पर जा सकते थे। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम सोमेरिस प्लेनेट पर रहने वाली एक फैमिली को देखते हैं, जहां माइल्स नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी आलिया और उसकी बेटी नेवीन दिखाई जाती है। माइल्स एक पायलट था जो कि साइंटिस्ट को अलग अलग प्लेनेट पर ले जाने का काम करता था। वहीं हम नेवीन को समंदर के किनारे खेलता हुआ देखते हैं। तभी माइल्स आलिया को बताता है कि मैंने एक स्पेस मिशन में जाने का फैसला किया है, जिसमें हर बार की तरह मुझे कई सारे साइंटिस्ट को एक दूसरे प्लेनेट पर लेके जाना है, लेकिन इस बार मुझे वापस आने में कम से कम 2 साल लगेंगे, क्योंकि इस बार जिस प्लेनेट पर मैं जाने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा दूर है। ये बात सुनकर आलिया थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन माइल्स उसे कहता है कि इस जॉब के मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिससे हम नेवीन का इलाज करा पाएंगे। दरअसल नेवीन को एक जानलेवा बीमारी है, जिसके इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, जिसकी वजह से आलिया को मजबूरी में माइल्स को इस स्पेस मिशन में जाने की परमिशन देनी पड़ती है। इसके बाद माइल्स अपनी बेटी नेवीन के पास जाता है और उसे बड़े प्यार से पंछी की तरह सीटी मारना सिखाता है। इसी दौरान वो नेवीन को अपने इस स्पेस मिशन के बारे में भी बता देता है, जिससे वो समझ जाती है कि उसके पिता उसके इलाज के लिए पैसे जोड़ रहे हैं ताकि उसकी जान बच सके। इसलिए माइल्स अपने पिता को रोकने की बजाय उनसे जल्दी वापस आने की गुजारिश करती है। कुछ समय के बाद हम माइल्स को एक स्पेसशिप में देखते हैं। इस स्पेसशिप के सभी साइंटिस्ट क्रायोजेनिक स्लीप में थे और ये स्पेसशिप ऑटोपायलट मोड पर चल रही थी। तभी अचानक से शिप पर मीटियोराइट्स टकराने लगते हैं, जिससे माइल्स की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से शिप पर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक शिप बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। इसलिए माइल्स सबसे नजदीकी ग्रह पर इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश करता है, जिस दौरान शिप कई चट्टानों से टकराती हुई नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से शिप के 2 हिस्से हो जाते हैं और वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से माइल्स बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। वो अपनी बेटी को याद करता हुआ बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब माइल्स की आंखें खुलती हैं, उसे सिस्टम से पता चलता है कि वो एक अनजान प्लेनेट पर है। तभी उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है, जहां वो देखता है कि उसके पेट में एक मेटल का टुकड़ा फंसा हुआ है, जिसे वो दर्द में चीखता हुआ अपने पेट से बाहर निकालता है। इसके बाद वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर अपना सूट पहनता है और शिप की छानबीन करता है, जहां उसे पता चलता है कि शिप में मौजूद सभी साइंटिस्ट खतरे में है। इसलिए वो अपनी लेजर गन उठाकर शिप से बाहर आ जाता है और एक तालाब से होते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसी तालाब में एक काफी बड़ा क्रिएचर तैर रहा था। थोड़ी दूर जाने पर माइल्स को सारे साइंटिस्ट दिखाई देते हैं, जिन्हें चेक करने पर उसे पता चलता है कि सारे साइंटिस्ट मर चुके हैं। इसके बाद माइल्स वापस स्पेसशिप में आता है और स्पेस एजेंसी को वॉइस मैसेज के थ्रू इस पूरे एक्सीडेंट के बारे में बताता है, और वो ये भी बताता है कि इस अनजान प्लेनेट पर वो आराम से सांस ले सकता है। मैसेज सेंड करने के बाद माइल्स के दिमाग में खुद को खत्म करने का ख्याल आता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसका इस प्लेनेट से निकल पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन तभी उसे उसकी बेटी नेवीन का ख्याल आता है, जिसके बाद वो अपना इरादा बदल लेता है और नेवीन की वीडियो रिकॉर्डिंग्स को एक के बाद एक देखने लगता है। इसी दौरान उसके कंप्यूटर में एक स्लीपिंग कैप्सूल डिटेक्ट होता है, जिससे माइल्स को पता चलता है कि इस कैप्सूल के अंदर मौजूद इंसान अभी जिंदा है। इसलिए वो जल्दी से उस कैप्सूल के पास जाता है और उसे ओपन कर देता है, जिसमें वेरोनिका नाम की एक लड़की होती है। इस लड़की को जिंदा देख माइल्स हैरान हो जाता है और उसे तुरंत शिप पर ले जाने लगता है। इसी दौरान माइल्स को जमीन पर एक बहुत बड़े पंजे का निशान दिखाई देता है। दोस्तों, ये प्लेनेट और कोई नहीं बल्कि 6.5 करोड़ साल पुराना अर्थ ही है, और ये वो समय है जब पृथ्वी पर डायनासोर्स रहा करते थे। यानी माइल्स ने अभी जो पैर का निशान देखा था
वो एक डायनासोर के पैर का निशान था। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और माइल्स शिप के दूसरे हिस्से को खोजने की कोशिश करता है, क्योंकि दूसरे हिस्से में एक स्पेस शटल रखी हुई थी जिसकी मदद से वो अपने प्लेनेट पर वापस जा सकता था। माइल्स अपने कंप्यूटर की मदद से उस शटल का पता लगाने लगता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता क्योंकि सिस्टम बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। इसलिए माइल्स खुद ही उसका पता लगाने के लिए निकल जाता है, जहां जंगल में उसे एक बहुत बड़ा कंकाल दिखाई देता है, जिसे देखकर माइल्स समझ जाता है कि यहाँ मौजूद जानवर बहुत खतरनाक हैं। इसी बीच वो गलती से एक गर्म गीजर से टकरा जाता है। उसने इस तरह की चीजें पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो काफी हैरान था। थोड़ी दूर चलने पर उसे पहाड़ पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है। उसे लगता है कि ये शिप का दूसरा हिस्सा ही है, इसलिए अच्छे तरीके से शोर होने के लिए वो एक सुपर जीपीएस का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि शिप का दूसरा हिस्सा उससे 15 किलोमीटर दूर है। तभी अचानक से एक छोटा डायनासोर उस पर हमला कर देता है। तभी माइल्स अपना बचाव करते हुए अपनी गन को उस डायनासोर पर मारकर उसे मार देता है और शिप के दूसरे हिस्से की ओर जाने लगता है, जिस दौरान उसे पास में से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज का पीछा करता है तो उसे वही लड़की मिलती है जो उसे कल रात कैप्सूल में मिली थी। दरअसल वो लड़की डर की वजह से शिप में से भाग गई थी, और जब वो माइल्स को अपनी ओर आते देखती है तो उससे डरकर दूर भागने लगती है। माइल्स भी उसका पीछा करने लगता है। तभी वो दोनों फिसल कर एक गड्ढे में जा गिरते हैं। यहाँ उन्हें एक मरा हुआ डायनासोर दिखाई देता है। तभी अचानक वहाँ के पेड़ हिलने लगते हैं, जिससे माइल्स समझ जाता है कि उनकी ओर एक बड़ा डायनासोर आ रहा है। इसलिए वो उस लड़की को लेकर अपने शिप में वापस चला जाता है, जहाँ वो उस लड़की के घाव पर दवाई लगाते हुए उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती। इसलिए माइल्स पैसेंजर्स की लिस्ट में से उसका नाम ढूंढने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम वेरोनिका है। माइल्स वेरोनिका को बताता है कि हमें एक दूसरे पहाड़ पर जाना है, जहां पर हमारा शटल है, जिसकी मदद से हम अपने घर वापस जा पाएंगे। लेकिन वेरोनिका फिर भी कोई जवाब नहीं देती। तब माइल्स को पता चलता है कि वेरोनिका उसकी भाषा नहीं समझती। इसके बाद माइल्स उसे कहता है कि शिप के डैमेज हो जाने की वजह से मेरा ट्रांसलेटर भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारी भाषा को नहीं समझ सकता। इसके बाद माइल्स वेरोनिका को ड्राइंग के जरिए अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। एक टेबल पर रेड कलर के पाउडर को बिखेर देता है और एक पहाड़ जैसी शेप बनाकर कहता है कि हमें इस पहाड़ पर जाना होगा। तभी वेरोनिका उसके पास आकर उस टेबल पर अपने पेरेंट्स को ड्रॉ करती है, जिसे देखकर माइल्स बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वेरोनिका के पेरेंट्स मर चुके थे। लेकिन वो वेरोनिका को इसके बारे में नहीं बताता, उल्टा वो उसे झूठ बोलता है कि उसके पेरेंट्स इस पहाड़ पर उसे मिलेंगे। इसलिए जैसे तैसे वेरोनिका उसके साथ उस पहाड़ पर जाने के लिए मान जाती है। पहाड़ पर जाने से पहले माइल्स स्पेस एजेंसी को वेरोनिका के बारे में बताता है। दूसरी ओर वेरोनिका नेविन की रिकॉर्डिंग्स देख रही थी। इन रिकॉर्डिंग्स से पता चलता है जब माइल्स मिशन पर था, नेविन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। पर नेविन ने माइल्स को मैसेजेस भेजना कभी बंद नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो माइल्स से नाराज होने लगी, क्योंकि जब नेविन को अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो उससे बहुत दूर था। इसी दौरान माइल्स वेरोनिका को वीडियोस देखते हुए पकड़ लेता है और तुरंत वीडियोस को बंद कर देता है। इसके बाद दोनों पहाड़ की ओर निकल जाते हैं। ये जर्नी दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली थी, लेकिन माइल्स वेरोनिका की मदद करते हुए आगे बढ़ रहा था, जिससे उन दोनों के बीच एक बॉन्डिंग हो जाती है। जब वेरोनिका चलते चलते बोर हो जाती है, तब वो माइल्स को परेशान करने के लिए रास्ते में लगे कुछ फल तोड़कर उसे मारने लगती है, जिससे माइल्स को गुस्सा आ जाता है। वो अपने एक गैजेट में उस फल को डालकर वेरोनिका को दिखाता है कि ये जहरीले हैं, इसलिए तुम्हें इनसे दूर रहना चाहिए। थोड़ी दूर चलने के बाद माइल्स की गर्दन पर एक कीड़ा गिर जाता है। जैसे ही माइल्स उस कीड़े को मारता है, उसके हाथ में कुछ गंदा चिपचिपा सा लिक्विड आ जाता है। वो एक पेड़ पर हाथ रगड़कर उस लिक्विड को अपने हाथ से छुटाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लिक्विड इतना मजबूत था कि पेड़ की छाल उसके हाथ पर चिपक जाती है। ये देखकर वेरोनिका हंसने लगती है। इसके बाद माइल्स किसी तरह से उस लिक्विड से छुटकारा पा ही लेता है, जिसके बाद दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि एक गड्ढे में एक डायनासोर का बच्चा फंसा हुआ है। वेरोनिका उस बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाती है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। हालांकि माइल्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेरोनिका उसकी एक नहीं सुनती, इसलिए ना चाहते हुए भी माइल्स वेरोनिका की मदद करता है, ताकि वो जल्द से जल्द यहां से निकल सके। जैसे ही वो छोटा डायनासोर उस गड्ढे से बाहर निकलता है, शिकारी डायनासोर उस पर हमला करके उसे मार डालते हैं। ये देखकर माइल्स वेरोनिका को पकड़कर वहीं छिप जाता है, जहां वेरोनिका उस डायनासोर को मरते हुए देखकर रोने
करने लगती है। जैसे तैसे माइल्स वेरोनिका को शांत करता है, जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और एक झरने के पास आकर रुक जाते हैं, जहां माइल्स अपने पेट पर हुए घाव को देखकर बहुत परेशान हो रहा था। तभी उसकी नजर वेरोनिका पर पड़ती है, जिसे देखकर उसको अपनी बेटी नेविन याद आने लगती है, जिससे उसे थोड़ा सुकून मिलता है। इसके बाद वो एक पेड़ पर चढ़कर अपने स्कैनर के थ्रू आगे जाने का रास्ता देखता है। तभी उसके हाथ पर एक कीड़ा आके बैठ जाता है, जिसे हटाने के लिए वो हाथ झटकता है। तभी पेड़ की टहनी टूटती है और माइल्स नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका हाथ डिसलोकेट हो जाता है, जिसके बाद वो वेरोनिका की मदद से अपने डिसलोकेटेड हाथ को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ डायनासोर्स का एक ग्रुप आ जाता है। माइल्स अपनी गन उठाकर उन पर शूट करने लगता है और वेरोनिका को वहाँ से भागने के लिए कहता है। वो डायनासोर्स को मारने के लिए तीन छोटे बॉम्ब का यूज करता है, जिनके ब्लास्ट से कुछ डायनासोर्स मर जाते हैं और बचे हुए डायनासोर्स को अपनी गन से शूट करने के बाद वो वेरोनिका को खोजने लगता है। दूसरी तरफ वेरोनिका के पास एक उड़ने वाले डायनासोर्स का झुंड आ जाता है, जिन्हें देखकर वेरोनिका एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, लेकिन दूसरे डायनासोर्स उसे देख लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। इसी दौरान माइल्स वहां आ जाता है और डायनासोर्स को शूट कर देता है, लेकिन एक दूसरा डायनासोर वेरोनिका को पकड़कर जंगल की तरफ खींचता हुआ ले जाता है। माइल्स भागकर उसका पीछा करने लगता है और उसे गन चलाकर डराने लगता है और डायनासोर वेरोनिका को छोड़कर वहां से भाग जाता है। इस पूरे हादसे में वेरोनिका बुरी तरह से डर जाती है, इसलिए माइल्स कुछ देर के लिए यहीं रुकने का फैसला करता है। कुछ ही देर में शाम हो जाती है, जिसके बाद माइल्स पंछी जैसी आवाज की सीटी बजाकर वेरोनिका को शांत करने की कोशिश करता है। ये वही सीटी थी जो वो अपनी बेटी नेविन को सिखाता था। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते और रात बिताने के लिए एक गुफा में रुकने का फैसला करते हैं, जहां पर माइल्स कुछ सेंसर्स को एक सर्कल में सेट कर देता है, ताकि होने वाले खतरे का उसे पहले से पता चल सके। अगले सीन में वो अपने स्कैनर के थ्रू आकाश में देखता है, जहां उसे पता चलता है कि इस ग्रह पर एक मीटियोराइट गिरने वाला है। हालांकि ये मीटियोराइट बहुत छोटा था, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। इसी दौरान वो वेरोनिका के पास अपनी बेटी नेविन का एक टेप देखता है, जिसे वेरोनिका शिप से उठाकर ले आई थी। इस बात पर माइल्स को वेरोनिका पर गुस्सा आता है, लेकिन वेरोनिका पहले से बहुत दुखी थी, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता, बल्कि उस टेप को चला देता है, जिसे देखकर वेरोनिका थोड़ी देर में सो जाती है। माइल्स भी अपनी बेटी की याद में बहुत दुखी था और थोड़ी देर में उसकी भी आंख लग जाती है। कुछ ही देर बाद उसके लगाए हुए सेंसर्स बजने लगते हैं, जिससे उसकी आंख खुल जाती है, जहां वो देखता है कि वेरोनिका के मुंह में एक कीड़ा घुस गया है। वो तुरंत उस कीड़े को वेरोनिका के मुंह से निकाल देता है, जिसके बाद वेरोनिका को उल्टी हो जाती है। तभी अचानक से सारे सेंसर्स बहुत तेजी से जलने लगते हैं। इससे पहले माइल्स कुछ समझ पाता, गुफा के बाहर एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है, जिसे देखते ही माइल्स उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन इस डायनासोर पर माइल्स की गन का कोई असर नहीं होता, इसलिए माइल्स वहां से भागने की सोचता है। माइल्स और वेरोनिका एक छोटे से होल के थ्रू उस गुफा से निकलकर दूसरी गुफा में आ जाते हैं। इसी दौरान एक छोटा डायनासोर उन दोनों का पीछा कर रहा था, लेकिन उन दोनों को ही इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो गुफा के बिल्कुल डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, जहां माइल्स को चट्टानों के बीच एक छोटी सी दरार दिखती है, जिसे बड़ा करने के लिए वो खुदाई करने लगता है, लेकिन उसके पास इतने हथियार नहीं थे कि वो चट्टानों को खोदकर एक रास्ता बना सके, इसलिए वो हार मानकर चट्टानों को खोदना बंद कर देता है। इस बात पर वेरोनिका उस पर गुस्सा होने लगती है और उसे कोशिश करते रहने को कहती है। यहाँ माइल्स को लगता है कि वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, इसलिए वो वेरोनिका को बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं, लेकिन वेरोनिका को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। इसी बीच माइल्स को याद आता है कि उसके पास कुछ बॉम्ब्स हैं, जिनका यूज करके वो चट्टानों में रास्ता बना सकता है, इसलिए वो एक बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक संकरा रास्ता बन जाता है, जिसके अंदर जाने से पहले माइल्स वेरोनिका को सारे बॉम्ब दे देता है, ताकि मुसीबत आने पर वो अपनी रक्षा कर सके। इसके बाद वो दोनों उस रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी उस जगह पर पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से माइल्स और वेरोनिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसके बाद माइल्स वापस उस गुफा में आ जाता है और परेशान होकर चिल्लाने लगता है। तभी उसे एक डायनासोर की आवाज आती है, इसलिए वो अपनी गन उठाकर गुफा के रास्ते से बाहर आने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो अपने सेंसर के जरिए उस डायनासोर को देखने लगता है। तभी डायनासोर पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो खुद को बचाते हुए सेंसर को उठाता है और उसकी आवाज बढ़ा देता है। वो आवाज डायनासोर के कानों में चुभने लगती है और वो माइल्स को छोड़कर वहां से भागने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर माइल्स अपनी गन उठाकर उस डायनासोर को शूट कर देता है। दूसरी तरफ वेरोनिका गुफा से बाहर आ चुकी थी। वो अकेली ही जंगल में निकल जाती है, जहां उसे एक डायनासोर की बड़ी हड्डी नजर
आती है, जिसे वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का सोचती है और उस पर जहरीला फल रगड़कर अपने बैग में रख लेती है। अगले सीन में माइल्स भी गुफा से बाहर आ जाता है। वो देखता है एक बड़ा मीटियोर उनकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो अपना सेंसर निकालकर उस मीटियोराइट के बारे में जानने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि कुछ ही घंटों में ये मीटियोराइट अर्थ से टकराने वाला है। इसलिए वो बिना वक्त गवाए वेरोनिका को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ एक डायनासोर वेरोनिका के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो एक टूटे हुए पेड़ के अंदर घुस जाती है। यहाँ माइल्स को भी वेरोनिका की चीख सुनाई देती है, इसलिए वो आवाज का पीछा करते हुए दौड़ने लगता है, लेकिन वो रास्ते में एक दलदल में गिर जाता है। वो वेरोनिका को आवाज लगाता है, लेकिन वेरोनिका उसके पास आ पाती इससे पहले वो दलदल में डूब जाता है। माइल्स ने वेरोनिका को जो बॉम्ब दिए थे उनका इस्तेमाल करके वो उस डायनासोर को ब्लास्ट कर देती है, जिसके बाद वो माइल्स को एक पेड़ की मदद से उस दलदल से बाहर निकाल लेती है। अब माइल्स वेरोनिका को उस मीटियोराइट के बारे में बताता है और कहता है, हमारे पास बहुत कम समय बचा है, हमें जल्द से जल्द उस पहाड़ तक पहुंचना होगा। अगले सीन में हम उन दोनों को उस पहाड़ के नजदीक देखते हैं, जहां उनकी शिप का दूसरा हिस्सा गिरा हुआ था। अब माइल्स वेरोनिका के चारों ओर कुछ रस्सियां बांधता है और उसे ऊपर चढ़ा देता है। ऊपर पहुंचने के बाद वेरोनिका उस रस्सी को पेड़ों और चट्टानों से बांधती है, जिसके बाद माइल्स रस्सी की मदद से ऊपर आ जाता है और शिप के दूसरे हिस्से को ढूंढ लेता है। जैसे ही वो शिप के कंप्यूटर को ऑन करता है, उसे पता चलता है कि उन्हें बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम आ रही है। दूसरी ओर वेरोनिका क्रायो टैंक को ढूंढ लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। अब माइल्स ने उसे कहा था कि उसकी फैमिली पहाड़ पर उसका इंतजार कर रही है। माइल्स के झूठ बोलने की वजह से वेरोनिका उससे बहुत नाराज हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद माइल्स अपनी बेटी की फोटो दिखाकर उसे कहता है कि मेरे इस मिशन के दौरान मेरी बेटी की मौत हो चुकी है और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ हो। जिसके बाद वेरोनिका माइल्स के गले लग जाती है। तभी अचानक मीटियोराइट के छोटे टुकड़े पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, इसलिए माइल्स और वेरोनिका इमरजेंसी पोर्ट के अंदर आ जाते हैं। माइल्स जैसे ही शटल के लॉन्च का बटन दबाता है, मीटियोराइट का एक टुकड़ा तभी शिप से टकरा जाता है। तभी उनका शिप पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। वेरोनिका फिर से लॉन्च बटन को दबाती है, लेकिन उनका शिप उसे बताता है कि उनका शटल लॉन्च होने की कंडीशन में नहीं है। जैसे ही माइल्स को होश आता है, वो एक बड़े डायनासोर को देखता है जो उनके शटल पर हमला करने लगता है। इसके बाद माइल्स अपनी गन ढूंढता है जो कि जमीन पर पड़ी थी, इसलिए वो अपनी गन उठाने के लिए पोर्ट से बाहर आ जाता है। माइल्स अपनी गन को लेकर शिप के पीछे छुप जाता है और अपनी गन को रिलोड करने लगता है। वहाँ कई सारे डायनासोर उसे घेर लेते हैं। वेरोनिका डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए नेविन की टेप ऑन कर देती है, जिससे डायनासोर्स को नेविन का होलोग्राम नजर आने लगता है। माइल्स भी उस होलोग्राम को देखता है और रोने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आखिरी बार अपनी बेटी को देख रहा है। तभी एक डायनासोर उस होलोग्राम पर हमला कर देता है, जिससे डायनासोर माइल्स के निशाने पर आ जाता है। इसके बाद माइल्स डायनासोर को शूट कर देता है। वहीं एक दूसरा डायनासोर वेरोनिका को शिप में देख लेता है और उस पर हमला करने लगता है, जिससे शिप सीधी हो जाती है और लॉन्च होने की कंडीशन में आ जाती है। तभी माइल्स उस दूसरे डायनासोर पर भी लगातार शूट करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद माइल्स शटल की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी वही डायनासोर आ जाता है जो माइल्स और वेरोनिका को गुफा में मिला था। वो डायनासोर माइल्स की तरफ भाग रहा था, इसलिए माइल्स उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जंगल की ओर भागने लगता है, जहां वो दोनों एक गीजर के पास आ जाते हैं, जहां से गर्म पानी निकल रहा था, जिससे डायनासोर का चेहरा जल जाता है, लेकिन डायनासोर को इससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता। तभी वेरोनिका वहां आ जाती है और अपने पास रखी उस हड्डी से डायनासोर की आंख फोड़ देती है, जिससे डायनासोर बुरी तरह से घायल हो जाता है और तड़पते हुए दूसरे गीजर की तरफ चला जाता है। ठीक उसी समय गीजर ब्लास्ट हो जाता है और उसी से डायनासोर जलकर मर जाता है, जिसके बाद माइल्स और वेरोनिका शटल में वापस आ जाते हैं और पृथ्वी पर मीटियोराइट टकराने से ठीक पहले पृथ्वी को छोड़कर उड़ जाते हैं। इसके बाद मीटियोराइट पृथ्वी से टकरा जाता है और पृथ्वी पर मौजूद सारे डायनासोर्स मारे जाते हैं। यहाँ शटल में माइल्स अपनी आंखें बंद करके अपनी बेटी को याद करता है। तभी वेरोनिका उसे संभालते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और इसके बाद वेरोनिका और माइल्स हमेशा साथ रहते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी का नरेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।